नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों के खाते में डाले 74.48 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कोल्हान के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर शुक्रवार को तीन जिलों के 24,827 अबुआ आवास धारकों के अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर बड़ी सौगात दी है। बता दें, बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित समारोह में तीन जिलों के लाभुक मौजूद थे। अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में हेमंत पार्ट टू की सरकार गांव से ही चलेगी। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन आंदोलनकारी शिवू सोरेन के पुत्र हैं। अन्याय के साथ उन्होंने न समझौता किया है न करेंगे। अन्याय से समझौता नहीं करने की वजह से ही हेमंत बाबू को जेल जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और हेमंत सोरेन बेदाग जेल से बाहर निकलेंगे। महागठबंधन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वे उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार हर गांव, गरीब और ज़रूरतमंद के साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि झारखंड की खनिज संपदा का उचित उपयोग हो ताकि हमारा प्रदेश विकसित बने। ये आपकी सरकार है। उन्होंने कहा कि झारखंड को सजाना सवारना हमारा काम है। JSSC परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना, रांची, चेन्नई से 11 गिरफ्तार। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में SIT ने पटना, चेन्नई व रांची में छापेमारी की है। SIT ने कुल 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। इनमें से 5 लोगों की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को फिलहाल मिली है। आरंभिक जाँच के बाद पुलिस इनमें से संभवतः 3 या 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले में 6 अन्य संदिग्ध से SIT की पूछताछ जारी है। इसकी संलिप्तता पर साक्ष्य मिलने के बाद आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई भी JSSC का कर्मचारी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र को वायरल करने का काम किया था। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसा कर लाभ लेने का प्रयास किया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 6 अन्य संदिग्ध को भी पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच की रांची जिला इकाई ने किया राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। जनजाति सुरक्षा मंच की रांची जिला इकाई द्वारा राजभवन के समक्ष जनजाति समाज से धर्मांतरित लोगों को जनजाति की सूची से हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता मेघा उराव ने कहा है कि जब जब ईसाइयों पर संकट आता है तब तब वे आदिवासी एकता और सरना ईसाई भाई भाई की बात करते हैं। हम लोगों पर समाज को बांटने और लड़ाने का आरोप लगाने वालों से कहना है कि समाज को बांटने और लड़ाने का काम हम लोगों का नहीं बल्कि चर्च मिशनरियों का है। आदिवासियों के पूजा स्थल सरना को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, छल कपट से धर्मांतरण करने वाले, आदिवासी आस्था को भूत प्रेत और शैतान की पूजा कहने वाले, असभ्य और हड़िया दारू पीने वाला बताने वाले वे ही हैं। भगवान बिरसा मुंडा को जेल भिजवाने वाले, पथलगाड़ी के नाम से अलग देश अलग संविधान की मांग करने वाले, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का बहिष्कार करवाने वाले लोग वे ही हैं। बोकारो में टला बड़ा हादसा, खाना बनाने के क्रम में लगी आग। बोकारो थर्मल स्थित DVC की आवासीय कॉलोनी के आवास संख्या GMT 6C में रहने वाले मजदूरों के द्वारा खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त आवास में बी पावर प्लांट की कटिंग का काम करने वाली कंपनी राधा एस्मेस्टर्स के मजदूर रहते हैं। शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे उक्त आवास में रहने वाले सभी 17 से 18 मजदूर खाना बनाने का कार्य गैस सिलेंडर से कर रहे थे। इसी बीच बिजली चली गई और सिलेंडर में आग लगी। मजदूरों ने गैस में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया परंतु आग और तेजी से फैलने लगी तो वे सभी घर छोड़कर बाहर निकल गए और बिल्डिंग में रहने वाले DVC कर्मियों को सूचना दी है। गुमला में जमीन विवाद में 3 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। झारखंड के गुमला से बड़ी खबर है। गुमला जिले के सिसई के सकरौली गांव में 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घटना करीब 2:30 बजे की है। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतकों में नागेश्वर साहू, संद्रू साहू उर्फ मुन्ना साहू, पवन साहू शामिल हैं। विकास कुमार साहू पिता सुदंगू साहू गंभीर रूप से घायल है।
झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे के छात्रों के लिए नामांकन शुरू। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से लेकर 4 वर्ष 6 माह के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक तय की गई है। बता दें कि आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूल में जमा करना होगा। वहीं डीएससी कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। झारखंड के 2703 सब इंस्पेक्टर का तबादला। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। 2703 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया। ये सभी सब इंस्पेक्टर झारखंड के अलग अलग 24 जिलों में पदस्थापित थे। पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अवर निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया गया वे अविलंब नई जगह पर योगदान करें। इन्हें 10 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय को बताने के लिए कहा गया है। उन्होंने नई जगह पर योगदान दे दिया है। पारा टीचर्स को शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने के आदेश का करे पालन हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है। पूर्व में एकल पीठ ने वैसे सभी योग्य पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक नियुक्ति के काउंसिलिंग में बुलाने का निर्देश दिया था, जिन्होंने अपना आवेदन गैर पारा शिक्षकों के तौर पर दिया था। इस संबंध में सुधीर कुमार रजक सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व तेजस्विता सफलता ने पक्ष रखा है। झारखंड के 8 जिलों में खोले गए साइबर थाना। साइबर अपराध के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। अब तक पूरे प्रदेश में सीआईडी के अधीन संचालित सिर्फ एक ही साइबर थाना चल रहा था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में साइबर सेल कार्यरत था। अब राज्य सरकार ने राज्य की 8 जिलों के लिए साइबर अपराध थाना सृजित कर दी है। यह थाना अब पूरी तरह कार्य करने लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार इन 8 जिलों रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावा में एक एक साइबर अपराध थाना सृजित हुआ है। प्रत्येक थाने में संबंधित जिले में कार्यरत डीएसपी मुख्यालय को वहां का थाना प्रभारी बनाया जाएगा। जेएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हो। भाजयुमो रांची महानगर ने गुरुवार को जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजभवन के समीप धरना दिया। धरना में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह सिर्फ नौजवानों के साथ ही नहीं पूरे प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कोई पैसा लेकर पदाधिकारी या कर्मचारी बनता है तो यह स्पष्ट है कि करप्शन की बुनियाद बढ़ेगी और उससे करप्शन ही फले फूलेगा। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा, छात्र अपने अधिकार को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा है कि झारखंड का हर युवा छात्र इस भ्रष्ट सरकार से परेशान और तंग आ चुका है। होमगार्ड को अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतन मान लगभग दोगुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। जेपीएससी की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की ईडी को आशंका। प्रवर्तन निदेशालय ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भी झारखंड लोक सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति घोटाले होने की आशंका है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से मिले दस्तावेज और उसके इशारे पर जेएसएससी के अधिकारियों के तबादले को लेकर इसकी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने मामले की जांच के लिए पिछले ही सप्ताह पुलिस से आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज की मांग की है। ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान जनवरी के पहले सप्ताह में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर छापा मारा था। इसमें उसके घर से जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 100 से अधिक एडमिट कार्ड मिले हैं।
जेएसएससी ने निकाली वैकेंसी। झारखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जेएसएससी ने कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। रिक्त पदों की कुल संख्या 13 है। जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 23 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 मार्च तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। इच्छुक छात्र जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, कनिष्ठ अनुवादक में अनारक्षित वर्ग के 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 सीट रिक्त हैं। झारखंड में 23 साल बाद भी भूमि सर्वे की सुगबुगाहट नहीं। झारखंड गठन के 23 साल बाद भी राज्य में भूमि सर्वे की सुगबुगाहट तक नहीं है। यहाँ जमीन के सर्वे के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 साल पहले भूमि सर्वे कराने की घोषणा की थी। इसके लिए अधिकारियों को दूसरे राज्यों में जाकर अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हो सका। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वे नहीं होने की वजह से जमीन के विवाद बढ़ रहे हैं। अगर सर्वे कराकर रैयत को उसकी जमीन का खतियान यानी मलिकाना हक दे दिया जाए तो जमीन घोटाले नहीं होते। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी हो गई। अदालत ने प्रतिवादी को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय प्रदान किया है। अदालत के आदेश के आलोक में मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड आ चुका है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू व कुमार हर्ष ने पक्ष रखा है। झारखंड में 11 से 15 तक बदला रहेगा मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार लंबा रह सकता है। 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। वहीं 12 फरवरी से राज्य के उत्तरी पलामू प्रमंडल तथा निकटवर्ती मध्य राजधानी और आसपास के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामतरा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 फरवरी को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। धन्यवाद।